गाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं। मुझे और मेरी जैसी हजार लड़कियों को अपना परिचय देना जरूरी नहीं है। जैसे मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ, मेरे सारे जख्म हाथ से, गर्दन से, जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर का जख्म अभी भी है। हर रात मैं डर से जाग जाती हूँ। मुझे अभी भी बुरे सपने आते हैं जो कि कभी नहीं रुकेंगे। मैं चिट्ठी लिख तो रही हूं, मगर मैं पहले से ही मर चुकी हूं। जब मैं यहां पहली बार आई, मेरी मुलाकात ज्योति से हुई। आप लोग शायद उसको निर्भया नाम से जानते हो, आपको याद है उसके बारे में? मुझे नहीं लगता आपको याद है। क्यों याद करेंगे उसको और बाकी सब महिलाओं को? छह साल पहले ज्योति का बहरेमी से बलात्कार हो गया और 11 दिन बाद वो यहां स्वर्ग में आई। उसके बाद लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट की, मार्चेस किया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन क्या वो काफी था? नहीं। 6 साल हो गए उस हादसे को हुए और अब हमारे पास एक और आत्मा आई। ज्योति से भी छोटी, हम सबसे छोटी, मासूम सी नन्ही सी जान आसिफा। उसको याद है? आई होप कि आपको उसकी याद है। सोचिए क्या बीती होगी इस 8 साल बच्ची के ऊपर, जब उसको ड्रग्स देके बार बार गैंग रेप किया और फिर बाद में उसको मार डाला, और वो भी मंदिर में, सबसे पवित्र जगह में। पूरी दुनिया ने उसकी कहानी सुनी, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर से मार्चेस हुए, पहले से भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अब क्या? क्या आप लोग अभी भी उसके बारे में बात करते हो? उससे भी बड़ी बात, क्या ये सब खत्म हुआ? क्या रेप अभी भी लड़कियों की गलती है? क्योंकि रेप पूरी दुनिया में एक ही जुर्म है जिसमें लड़कियों को दोषी माना जाता है। कब होगा ये सब बंद? हमने हमारा शरीर तो साफ कर लिया, लेकिन अंदर की गंदगी अभी भी है। अंदर की जख्में हमेशा दर्द देगी, हमेशा। क्या दुनिया ये औरतें के लिए कभी भी सुरक्षित होगी? डेपिस को डिफेंस करना बंद करो, ये बोल के कि वो अच्छे घर से है, अच्छे लोग हैं, नेक है, कोई भी रेप कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से कितना अच्छा दिखता है।
आप कभी सोच भी नहीं सकते हम कितने तगड़े। ये गंदगी हमारे शरीर से कभी नहीं जाएगी, हमेशा हम इस मेल से जुड़े रहेंगे, हमेशा। या फिर अभी भी उनको अपने कपड़ों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा ताकि कोई उनका रेप ना करते। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि रेप न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी से जुड़े हैं, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, एक औरत जो सर से पांव तक ढकी है, यहां तक एक बूढ़ी औरत का भी बलात्कार हो सकता है, ये बात अश्लीलता के बारे में नहीं है, ये बात है कंट्रोल की और पावर की। जो सब ये चिट्ठी पढ़ रहे हो, अगर आपकी कोई बेटी है तो उसकी फ्रीडम मत छीनो ताकि कोई उसका रेप ना करते। बजाय ऐसी समाज बनाओ जहां पर लड़कियां खुद ब खुद बलात्कार का शिकार ना बन जाए। लड़कियों को दोष देना बंद करो। मैं भी रेप विक्टिम थी, मेरी केस अनरिपोर्टेड थी, और हाँ मेरे जैसे बहुत हैं। इंडिया में हर 20 मिनट किसी का रेप होता है। इसका मतलब कि जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करोगे तब तक किसी का रेप ऑलरेडी हो चुका है। क्या आप सब तैयार हैं इसका अंत करने के लिए, या फिर एक और रेप होना चाहिए ताकि आपकी सोच बदले? दया करो, इसका अंत करो। What a wonderful world.